अच्छा जी, लास्ट हमने ये कर लिया था कि एक अदद वेदर ऐप बना ली थी जिसमें हमारा एक स्टेटिक फ्रंट एंड होता था रिएक्ट का, और उससे हम एक थर्ड पार्टी वेदर एपीआई हम कॉल करते थे और उससे वेदर का डेटा लाके हम डिस्प्ले करवाते थे, ये कर लिया था। उसके अलावा हमने पिछली क्लास में एक्सप्रेस की जो ऐप है उसके अंदर हमने इसको होस्ट करवाना सीख लिया था। ज़रा फाइवर पे एक मैसेज हो चुका है मेरे पास, आ चुका है, उसको ज़रा मैं जवाब दे दूँ। यस बट आई विल बी अवेलेबल 9 PM माई टाइम, ओके दैट्स इट। सही है, जूम कॉल का बोला है बच्चे ने, तो हमने कहा कि यार 9 बजे क्लास ख़त्म होती है तो 9 बजे आना उड़ते हुए, अभी जो है वो भाग जाओ। अच्छा, तो एक्सप्रेस की ऐप के ऊपर हमने ना रिएक्ट की ऐप को होस्ट करवाना सीख लिया था। इससे पहले हम रिएक्ट की ऐप को कहाँ होस्ट करवाते थे, फायरबेस होस्टिंग के ऊपर हम होस्ट करवाते थे, तो हमने खुद के सर्वर पे भी होस्ट करा लिया। अब हमें फायरबेस होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, और हमने ये बात भी देखा था कि फायरबेस होस्टिंग जो सर्विस हमें देता है वो एक्सप्रेस के अंदर सिर्फ एक्चुअली एक लाइन का कोड होता है वो, ठीक है, जो फायरबेस हमें दे रहा होता है, और वो बोलता है कि भाई हमें आपको फ्री दे रहे हैं ये, ठीक है, फ्री तो स्टिल दे रहा है, अपनी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है वो, लेकिन एक्चुअली कोई इतना ज़्यादा सेटअप लंबा चौड़ा नहीं है उसका, उसका जो है ना वो सिर्फ एक ही लाइन का जो है वो कोड है। अच्छा, तो हम इसी वाले जो ऐप को, इसी वाली ऐप की हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, इसी वाले की एक हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं ताकि ये वाला यहाँ तक सेव हो जाए, और हम अपकरण ऑपरेशन करने की तरफ मूव करते हैं कि हमने जो सर्वर पे, ये तो ऑन रहता है ना, ये सही है, ये दोनों तो ऑन रहता है। यार तुम इधर आ जाओ फ्रंट पे, इतने पीछे क्यों बैठे हो, यहाँ बैठो आगे। बैग किसका रखा हुआ है, बैग तुम्हारा है वो? हाँ भाई, बैग किसी का ना, आ जाओ आगे, पूछ लिया करो कि बैग किसका है वो। उधर भी जगहें खाली पड़ी हैं, उधर भी एक सीट खाली है, और वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हो, उधर वहाँ पे 2 सीट मुझे दिख रही है खाली है। खड़े तो हो यहाँ से, खड़े तो हो तुम, ऐसे थोड़ी पता लगेगा, वहाँ पे वो 2 सीट्स खाली हैं, या इस सोफ़े पे भी बैठ सकते हो अगर चाहो, लेकिन सोफ़े पे मत बैठो, पोस्चर ख़राब होता है इसका, जो एंगल है ना वो सही नहीं है, उधर बैठो जाके। मतलब अगर आप बैठ के साइड वेज पे ऐसे देख रहे हो ना, आपकी गर्दन एक तरफ घूमी हुई है अगर, तो गर्दन पे चुप पड़ जाएगी, 2 घंटे बैठोगे ना जब, तो बेहतर ये है कि आप सामने फ्रंट पे देख रहे हो। ठीक है, अभी खुश हो उधर तुम, प्रोजेक्टर सही दिख रहा है। अच्छा, हम इसी ऐप की एक्चुअली कॉपी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक मसला है इस ऐप में, एक मसला है इसमें ये है कि हमारे सर्वर पे ना JWT वगैरह सब कुछ इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, सही है। अब JWT वगैरह ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुए भी होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जब तक हम लॉग इन नहीं करें ना, इस पर थर्ड ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ, हाँ, टोकन को कॉमेंट करने से मसला हल नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि आप देखो ना, करड ऑपरेशन के जब मैं अंदर जाता हूँ ना, तो आप इसमें देखो, जब पोस्ट की जो API है उसमें डेटाबेस में मैं क्या रखवाता हूँ, फ्रॉम request.body.decoded.email। अब मैं ये रख, अब यहाँ पे वो एरर देगा, वैसे तो चलो मैं यहाँ भी नलिश ऑपरेटर लगा दूँ तो ये मसला मेरा हल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वेल मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो है ना कुछ ऐसा करूँ कि ये वाली ऐप उसके अंदर ना हो, ठीक है, सर्वर भी ताकि सिंपल हो हमारा। तो मैं ये करता हूँ इसके लिए कि मैं ज़रा तलाश करता हूँ अपने सर्वर वाली क्लासेस में जाके कि कौन सा वाला ऐसा था, हाँ ये वाले पॉइंट पे हमारा JWT नहीं लगा हुआ था इसमें, जस्ट MongoDB था ना, 7 वाला जो था लेवल। मैं जाता हूँ इसके सर्वर पे, हाँ ठीक है, यहाँ तक JWT इसमें लगा हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें फ्रॉम वगैरह इसमें है ही नहीं,
तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले सर्वर की एक कॉपी बनाता हूँ, जो मेरा कल तक का काम हो गया था उसको मैंने वहीं छोड़ दिया, और मैंने इस वाले सर्वर की कॉपी बनाई है, और इस वाले सर्वर की कॉपी बनाने के बाद इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ 5.crud app with react and mongodb। सही है, React and MongoDB ये मैंने नाम लिख दिया, और इसके अंदर जो वो पब्लिक का फोल्डर है जिसमें एक HTML की फाइल है, इस पब्लिक के फोल्डर की मुझे ज़रूरत नहीं है अब, तो मैं यहाँ पे अब क्या बनाऊँगा, एक नई ब्रांड न्यू React की ऐप बनाऊँगा। ठीक है, आ जाते हैं जी, हम एक ब्रांड न्यू React की ऐप बना लेते हैं। शायद मुझे ब्रांड न्यू ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है काइंड ऑफ, क्योंकि मैंने ब्रांड न्यू ऐप ही बनाई हुई है असल में ये वाली ना। इसमें क्या किया है मैंने, app.js में जाके ज़रा देखता हूँ मैंने क्या किया है। अच्छा, ये पूरी वेदर ऐप बनी हुई है कंप्लीट। वेल चलो मैं इसी वेब की कॉपी बना लेता हूँ, मुझे क्योंकि ये ब्रांड न्यू ऐप है मोस्टली जो है ना, ये इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं हुआ है। अच्छा जी, तो अब इस वक्त मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, मेरे पास एक अदद सर्वर है जो कि मैंने अपनी एक पुरानी क्लास का कोड कॉपी किया है, और ये वाला जो सर्वर है इसके अंदर क्या लगा हुआ है, MongoDB लगा हुआ है, और इसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन के राउट्स हैं वो ऐसी डमी प्लेस हुए हुए हैं। ठीक है, ये ज़रा पुराना वाला कोड मैंने उठाया, इसमें ऑथेंटिकेशन के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन के अंदर के अलावा ये जो टोकन का जो बैरियर है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सीधा सीधा जो है ना मतलब ट्रू किया हुआ है इसको मैंने, तो ये हर दफ़ा ही क्या होगा, ये ट्रू होगा और हर दफ़ा ये आगे जाने देगा इसको। ठीक है, और पोस्ट के जो राउट्स हैं इसके अंदर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्रड की जो API है पूरी बनी हुई है, और इसके अंदर वैलिडेशन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो अब हम चलते हैं आगे और पूरा इसको देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ हुआ है इसमें। ठीक है, ये सारी की सारी APIs यहाँ पे बनी हुई है। तो ये मेरा सर्वर तो जी रेडी है, इस सर्वर को मैं रन कर लेता हूँ। इस सर्वर को रन करने के लिए मैं इसके फोल्डर में चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ CD 5 CRUD app with React and MongoDB, और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ NPM run dev। तो ये मेरा सर्वर क्या हो गया, चल पड़ा है और 3001 पे चला है मेरा सर्वर। मेरे सर्वर को मैं 5001 पे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे सर्वर को मैं 5001 पे ले जाता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ जी, CD करके वेब में चला जाता हूँ। ओहो यार, ये क्या हो गया, इसको मैं डिलीट करके नया खोल लूँ। सही है, पता नहीं कहीं गुम हो गया था मैं पाथ में। अच्छा, CD करके मैं वेब में चला जाता हूँ, और वेब में जाके मैं NPM start लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास वो UI पहले की क्योंकि बनी हुई थी, वो वाली UI मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कराची और एंटर करता हूँ तो ये वेदर आ जाता है। वेल, मुझे इसको ज़रा चेंज करना है एक्चुअली। मैं आता हूँ जी अपने पास, और मैं SRC में जाके ना कंपोनेंट्स में जाता हूँ, और ये जो होम का कंपोनेंट है मेरे पास, अच्छा ये वेदर विजिट जो है इसकी तो मुझे टोटली ज़रूरत ही नहीं है, तो इस पूरे फोल्डर को मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, और home.jsx पे जाके अब मुझे यहाँ पे जो फॉर्म बना हुआ है ये वाला, जिसमें हिट करने से जो वो वेदर की अपडेट हो रही होती है, मुझे एक्चुअली उसके अंदर अब क्या करना है, उसके अंदर मुझे एक फॉर्म बनाना है और उसके सबमिट पे API कॉल करनी है मेरे अपने सर्वर की। तो यहाँ से ज़रा हम अब प्रोसीड करते हैं। ये वेदर कार्ड अब मुझे नहीं चाहिए था, इसको मैंने हटा दिया है। तो इसको हम ज़रा टॉप से बॉटम तक देखते हैं। मेरे पास यूज़ रेफ, यूज़ इफेक्ट वगैरह पर इम्पोर्ट हुए हैं, एक्जियोस का लाइब्रेरी इम्पोर्ट हुई हुई है, ये दोनों मुझे चाहिए, राइट। अच्छा, उसके बाद होम का कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने कुछ समझाने के लिए कमेंट किया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे वेदर डेटा का एक स्टेट बना हुआ है मेरे पास। ठीक है, ये स्टेट ज़ाहिर है अभी मैं चेंज कर दूँगा अपने हिसाब से इसको। ठीक है, लेकिन इस स्टेट को अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इफेक्ट को भी हम छोड़ देते हैं, हम सीधा आ जाते हैं फॉर्म पर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो इस पर हमें मॉडिफाई करनी है वो हमारा जो फॉर्म है वो हमने मॉडिफाई करना है। अच्छा, फॉर्म में हमारे पास अभी एक अदद इनपुट है जिसके ऊपर सिटी नेम लिखा हुआ है। ठीक है, और सिटी नेम रेफ है,
तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि यार पोस्ट का टाइटल, ठीक है, पोस्ट टाइटल, और बी आर लगा के मैं यही सेम चीज़ दोबारा लगाऊंगा, पोस्ट टाइटल इनपुट, ठीक है। टाइप इसकी टेक्स्ट है, रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ 2 है, मैक्सिमम लेंथ 20 है, और रेफ़ जो इसका है ना, इसके रेफ़ को भी मैं क्या कर देता हूँ, इसके रेफ़ का भी मैं नाम रख देता हूँ पोस्ट टाइटल इनपुट रेफ़। सही है, मैंने कहा कि जी पोस्ट टाइटल इनपुट रेफ, ठीक है, मैंने ये इसका नाम रख दिया। पोस्ट टाइटल इनपुट रेफ कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट दो इसमें चाहिए ना, कि जी एक टाइटल चाहिए मुझे और एक उसकी बॉडी चाहिए पोस्ट की मुझे, ठीक है। और इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ कि पोस्ट बॉडी इनपुट रेफ, और इसी नाम का एक रेफ मैं ऊपर क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। अच्छा, ये दो रेफ तो मेरे क्या हो गए, फाइनलाइज हो गए। अभी ये नीचे वाले जो स्टेट है इनको मैं अभी देखता हूँ, इसका इस लोडिंग भी मुझे मोस्ट प्रॉब्ली चाहिए होगा, तो इस लोडिंग को भी मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा फॉर्म मोर और लेस क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक तैयार हो गया। अच्छा, इस फॉर्म के नीचे जो मैं डेटा डिस्प्ले करवाता था, इसको मैं इंटायरली रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जस्ट एक फॉर्म होगा मेरे पास। रिफ्रेश करता हूँ मैं, क्या हुआ है इसको, सिटी नेम रेफ कहीं पे मैंने इस्तेमाल किया जो कि अब मैं रिमूव कर चुका हूँ। किस पे है, लाइन नंबर 51 और 58 के ऊपर है, 51 पे और 58 का है, ये वाला, इन दोनों लाइनों को मैंने कमेंट कर दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 61, तो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह का इस वक्त जो है वो आ चुका है। मैंने एक्चुअली फॉर्म में गड़बड़ कर दी है, पोस्ट इन पोस्ट टाइटल और पोस्ट बॉडी मैंने ये लगा दी, और मुझे एक्चुअली इसको इनपुट नहीं रखना था, मुझे इसको टेक्स्ट एरिया रखना था ना, ठीक है। मैंने इसको क्या करना था, टेक्स्ट एरिया रखना था, ठीक है। पहला वाला इनपुट है और दूसरा वाला टेक्स्ट एरिया है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा मेरे पास, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में बेनिफिट ये होता है, उसको मैं खींच के लंबा चौड़ा बड़ा छोटा कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। इसके अंदर एक बिल्ट इन फैसिलिटी होती है। अच्छा, मेरा फॉर्म अभी कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, थोड़ा CSS वगैरह इस पर मैंने नहीं लगाई हुई, लेकिन वो CSS कैसे लगाते हैं ये आप सब लोग जानते हैं, तो इस पर कोई ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको बगैर CSS के अभी लेके चलते हैं फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, तो ये फॉर्म जी मेरा क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। इस फॉर्म का जो सबमिट हैंडलर है वो मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी, और जस्ट मैंने क्या करना है, उस सबमिट हैंडलर को जाके ना मैंने थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। और थोड़ा सा चेंज करके उसको क्या कर देना है, मैंने अपने मर्जी का बना लेना है, ठीक है। ये फॉर्म मेरा बन के यहाँ पे कोलैप्स हो चुका है। अच्छा, अब जो मेरा सबमिट हैंडलर होगा, वो मेरा सबमिट हैंडलर जब चलेगा तो मुझे क्या करना है, एक तो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट चलो ठीक लगा हुआ है, API की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी इस वक्त जो API है वो पब्लिक API है, ठीक है, उस पर किसी किस्म की कोई वो नहीं लगी हुई। सेट लोडिंग को ट्रू चलो करा दूंगा मैं, मैंने ऊपर सेट लोडिंग ये बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब मैं API कॉल करता हूँ, तो पहले मैं इनका API कॉल करता था, अब मैं किसकी API कॉल करूँगा, मेरी खुद की API जो कि है स्लैश, क्या है, सर्वर पर जाके चेक कर लेते हैं, ये जो पोस्ट राउट है /API/v1/post, ठीक है, /API/v1/post,
अच्छा जी, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इज़ लोडिंग करवा दिया और हमें API कॉल कर दी। अच्छा, API अब पोस्ट की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पोस्ट की जब API में कॉल करूँगा तो कॉमा डाल के मैं साथ में बॉडी भी प्रोवाइड करूँगा, और बॉडी में मैं क्या देने लगा हूँ इसको, ये दोनों चीज़ें देने लगा हूँ कि जी पोस्ट टाइटल दूंगा मैं इसको, और उसमें मैं पोस्ट टाइटल इनपुट रेफ, और साथ में दूंगा मैं बॉडी, और बॉडी में ये दो वैल्यू दे दूंगा। ठीक है जी, तो ये मैंने दोनों वैल्यू दे के डॉट करंट डॉट वैल्यू करके मैंने दोनों वैल्यू पास की इसको, और दोनों वैल्यू पास करने के बाद क्या कर दिया। अच्छा, मैंने वैसे सर्वर पे जो पहले से राउट्स बनाए हुए हैं उस पर मैंने इनपुट क्या लिया हुआ है इसके ऊपर, मे बी हम उसके इनपुट से, अच्छा टाइटल और टेक्स्ट लिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ टाइटल और टेक्स्ट इसको कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल और टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि मुझे सर्वर पे जो बनी हुई API है उसके अंदर कोई चेंज ना करना पड़े, आसानी से ना हो जाए इंटीग्रेट। ये अभी इस वक्त सर्वर और फ्रंट एंड दोनों मेरे हाथ में, तो मैं दोनों में से जिसमें चाहूँ चेंज करूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। सर्वर का डेवलपर जो होता है वो अलग होता है, और वो आपको कोड का एक्सेस नहीं देता, वो बताता है आपको कि बच्चा ये इनपुट है और ये आपने भेजना है, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, आपने जो उसके डॉक्यूमेंट को फॉलो करना होता है, API डॉक्यूमेंट को, या इसी तरीके से ही होता है अगर आप सर्वर के डेवलपर हैं, तो फ्रंट एंड का डेवलपर अगर कोई और है तो आप क्या करते हैं उसको डॉक्यूमेंट बना के देते हैं कि भाई ये मेरे इनपुट्स हैं। अब वो वही इनपुट भेजेगा तो चलेगा, अगर वो गलत इनपुट भेजता है तो वो आपका मसला नहीं है। ठीक है, उसके कहने पे आप इनपुट चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ अगर कोई लॉजिकल बात कर दे, वो कोई आपकी गलती पॉइंट आउट कर दे, वो बात अलग है, लेकिन उसकी फरमाइशी क्या कहते हैं इनपुट आप नहीं रखते। आप अपने सर्वर के ऊपर जो आपने आर्किटेक्चर तैयार किया हुआ है उस हिसाब से जो अप्रोप्रिएट नाम होता है इनपुट का, या जो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होता है कि जी आपने इनपुट एरे में लेना है या इनपुट टेक्स्ट में लेना है, इनपुट ऑब्जेक्ट में लेना है, ये एज अ बैकएंड डेवलपर ये आपका डिसीजन रहता है। ठीक है, तो लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि मेरे पास दोनों चीज़ों का एक्सेस है, तो मैं दोनों चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, इस तरह करके चला रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये पोस्ट हो गया, इसके अंदर ये वैलिडेशन लग गई, अगर वैलिडेशन फेल होती है तो ये इसको रिटर्न कर देगा यहाँ से। ओके, उसके बाद ये इंसर्ट चलाता है। ठीक है, सर्वर मेरा ओके लग रहा है, आई थिंक सर्वर मेरा ठीक ठाक ही लग रहा है। डेट ये खुद से लगा देता है यहाँ पे, और उसके बाद रिस्पॉन्स ये भेजता है कि जी पोस्ट क्रिएटेड। ठीक है, अच्छा इस रिस्पॉन्स को मैं चाहूँ तो पकड़ के मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स को चाहूँ तो स्क्रीन पे पकड़ के मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ, लेकिन उसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है क्या मतलब, टाइम बचाने के लिए मैं उसको अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन शायद कर देना चाहिए मुझे यार। मैं इसको कहता हूँ अलर्ट और सेट अलर्ट, सही अलर्ट के नाम से मैंने एक लगा दिया, जिसमें मैं क्या करता हूँ वो वाला मैसेज पकड़ लेता हूँ। अच्छा, जो बैकएंड से मेरे पास जवाब आता है ना, वो स्ट्रिंग नहीं भेज रहे होते, ये हम देख लिया था हमने बाद में। हम इसके अंदर एक मैसेज ऐसे लिखते हैं, और मैसेज लिख के जो है हम क्या करते हैं ऐसे पोस्ट क्रिएटेड मैसेज में लिख के भेज रहे होते हैं, ताकि मज़ीद भी कोई की मुझे भेजनी पड़े अगर सर्वर से तो मेरे पास ये ऑप्शन रहे, ऐसा ना हो कि मुझे फिर पूरा का पूरा कोड ही रिप्लेस करना पड़ जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे करके मैसेज करके यहाँ से जवाब लेता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी ये लगा हुआ है ना स्ट्रिंग, प्लेन स्ट्रिंग, तो वहाँ वहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ इसको ऐसे मैसेज करता हूँ। ठीक है, जो कि अप्रोप्रिएट तरीका है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब मैं इस API को हिट करता हूँ तो मुझे जो जवाब मिलता है उसके अंदर से मैं क्या गेट करने की कोशिश करता हूँ, console.log के अंदर मैं response.data कर दिया ना, response.data में क्या हो जाएगा, जो भी बॉडी आएगी वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। और मैंने सेट अलर्ट के अंदर जो है वो क्या कर दिया, मैंने कहा कि भाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दी। तो इस सेट अलर्ट को मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्म के बिल्कुल नीचे फ़ौरन बाद में इसको, या फॉर्म के अंदर ही मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ मे बी। ठीक है, मैंने कहा भाई अलर्ट अगर है, एक तो टर्नरी ऑपरेटर से चेक होता था, एक ये भी तरीका है ना, अलर्ट लिखूंगा मैं और एंड एंड लगा दूंगा तो ये अलर्ट होगा जब ये पैराग्राफ प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, तो ये मैंने कर दिया कि जब API कॉल होती है तो मैंने क्या करवा दिया, अलर्ट में उसको डिस्प्ले करवा दिया। कैच के अंदर मैंने क्या किया जी, इसको सेट लोडिंग को फॉल्स करवाया, और कॉन्सोल के ऊपर जो है ना जो भी एरर है उसको पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो हमारा ये सबमिट हैंडलर क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। ठीक है, ये अलर्ट भी हमारा क्या हो गया, ये भी
वो हो गया, ठीक है। इस लोडिंग को भी मैं नीचे मोस्ट प्रॉब्ली डिस्प्ले करवाना चाहूँगा मैं, ठीक है। मैंने इसको भी ऐसे ही कर दिया भाई, इस लोडिंग अगर है तो लोडिंग को प्रिंट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको जैसे ही, और पोस्ट टाइटल में मैं लिखता हूँ कि जी एबीसी टाइटल और एबीसी बॉडी, और मैं क्या करता हूँ जी यहाँ से इस एपीआई को हिट कर देता हूँ, ठीक है। 404 हो गया। अच्छा 404 क्यों हुआ है, क्योंकि लोकल होस्ट 3000 पे इस वक्त मेरा फ्रंट एंड चल रहा है, ठीक है। मेरा फ्रंट एंड इस वक्त लोकल होस्ट 3000 के ऊपर है, लेकिन मेरा सर्वर जो है वो कहाँ पर है, 5001 पे है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए ये करता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं बेस यूआरएल के नाम से, और उसको साथ में इसके अटैच कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके ठीक है, मैंने फ़िलहाल के लिए ना ऐसे एक लोकल वेरिएबल बना लिया बेस यू आर एल करके, और इसको मैंने 5001 दे दिया। अच्छा इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा मैं, ये जस्ट टेम्प्रोरीली मैंने बनाया है, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है वो ज़रा कंप्लीट करें ना पहले, फिर इस बेस यू आर एल के इस मसले को हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसके साथ यहाँ पर ना ऐसे ये बेस यू आर एल लगा के भेजता हूँ, और आगे इसके वो पूरी ए पी आई लिख देता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली हम इसको इस तरह से कर रहे होंगे इस तरह से एक्चुअली, लेकिन एक अप्रोच होती है जिसके ज़रिए ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल करेगा। अभी अगर मैंने इसको एज इट इज़ डिप्लॉय मारा तो ये कोड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उधर जब जाएगा तो उधर 5001 नहीं मिल रहा होगा, उधर तो वो यूआरएल है प्रॉपर। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होता है वो हम देखेंगे, अभी उसको हम लेकिन छोड़ देते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा अगेन इसके एपीआई को हिट कर देते हैं, एबीसी बॉडी और हिट। अभी इसने क्या एरर दे दिया मुझे कि भाई मुझे कोर्स पॉलिसी का एरर आ गया। कोर्स पॉलिसी किस वजह से आता है, जब हमारे सर्वर के ऊपर कोर्स का मॉड्यूल लगा हुआ नहीं होता है। आ जाओ अपने सर्वर पे कोर्स का मॉड्यूल लगा लेते हैं हम, कोर्स का मॉड्यूल लगा हुआ है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ, इसको मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। अच्छा ये कोर्स का मॉड्यूल जब तक ही मुझे ज़रूरत है जब तक मैं मेरे फ्रंट एंड का यू आर एल अलग है और मेरे सर्वर का यू आर एल अलग है, जब ये दोनों सेम यू आर एल पे आएंगे तो मुझे फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इस कोर्स की मुझे ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे कोर्स की ज़रूरत है, और ये कोर्स की ज़रूरत सिर्फ ब्राउज़र्स में होती है, मोबाइल ऐप वगैरह में इसकी ज़रूरत नहीं होती मुझे, ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा से हिट करता हूँ तो ये जी पोस्ट क्रिएटेड का मेरे पास मैसेज आ गया, इसका मतलब है मेरी पोस्ट क्या हो गई, क्रिएट हो गई है। कहाँ पे हो गई है क्रिएट, सर्वर के ऊपर और डेटाबेस के अंदर ना, सही है। इसमें डेटाबेस पहले से कनेक्टेड था, जो करंट ऑपरेशन वाली क्लास हमने जो पहले की थी, अगर वो किसी ने नहीं ली है तो वो अलग से उसकी देख लेना, वीडियो पड़ी होगी पुरानी, ठीक है। अब ये पूरा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये डेटाबेस में कैसे गया और मतलब कलेक्शन कैसे बना और ये सारी चीज़ें अभी हमारे वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अभी हम जस्ट ये सीख रहे हैं कि अपने फ्रंट एंड से हम इसको कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अब हम अपनी अगली एपीआई की तरफ, जिसमें हम तमाम की तमाम पोस्ट को क्या कर रहे होते हैं, गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। पोस्ट को हम गेट कर रहे होते हैं, उस एपीआई की तरफ हम आ जाते हैं, और इस एपीआई में हमने क्या करना होता है, जस्ट पोस्ट को हिट करते हैं और हमें रिज़ल्ट मिल जाता है एरे की सूरत में, और उस एरे को हम डिस्प्ले करा देते हैं, दैट्स इट। तो आ जाते हैं जी अपने फ्रंट एंड पे, और हम इस दूसरी एपीआई को फ़ौरन से हिट कर देते हैं। अच्छा ये दूसरी एपीआई जो हमारी हिट होगी ये किस में होगी, ऑब्वियसली ये यूज़ इफेक्ट के अंदर होगी, ठीक है। यूज़ इफेक्ट के अंदर हम ये काम कर रहे होंगे। अच्छा यूज़ इफेक्ट में ये, क्योंकि पुराना कोड मैंने कॉपी किया था तो इसके अंदर लोकेशन हम गेट कर रहे होते थे और इस तरह की हम चीज़ कर रहे होते थे, लेकिन अब मुझे लोकेशन गेट करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट एक ट्राई कैच का इसमें ब्लॉक लगाता हूँ, और ट्राई कैच का ब्लॉक लगाकर मैं इसके अंदर सीधी सीधी एपीआई हिट कर देता हूँ, सही है। और क्लीनअप के अंदर भी कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मैंने दूसरे काम किए हुए थे उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये हमारे पास क्या हो चुका है इस वक्त, सीधा सीधा प्लेन जो है ना, बिल्कुल ये आगे क्यों गया भाई, इसको यहाँ होना चाहिए ना, सही। तो मैं सीधा सीधा प्लेन इसके अंदर एपीआई हिट करने जा रहा हूँ,
और अब की बार जो मेरा URL होगा वो क्या होगा, वो होगा जी बेस URL स्लैश API स्लैश V1 स्लैश पोस्ट में S लगा के मैंने लिखा है, ठीक है। एबॉर्ट सिग्नल वगैरह की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, वो मैंने वैसे ही समझाने के लिए लास्ट क्लास में किया था। अच्छा, ये मैंने API हिट कर दी, इसका रिस्पॉन्स जो आता है उसको मैं कॉन्सोल पे लॉक करवा लेता हूँ और इज़ लोडिंग को मैं फॉल्स करवा लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये जो पोस्ट है इसको एक स्टेटमेंट रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐसे एक बना देता हूँ कि जी पोस्ट, ठीक है, ऑल पोस्ट कर देता हूँ इसको मैं, सही है, सेट ऑल पोस्ट हो गया, पोस्ट और सेट ऑल पोस्ट। इसको एम्प्टी एरे रखा गया है शुरू में, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी सेट ऑल पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, नहीं सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट डेटा में ही मुझे पूरा का पूरा एरे मिल जाता है वो, राइट, रिस्पॉन्स डॉट ये वाला है ना, इसके मुझे एरे मिल जाता है पूरा रिजल्ट के अंदर ना। अच्छा, तो ये मेरी API कॉलिंग जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके अंदर एक एरर आ रहा है कि जी अवेट जो है ना ये कह रहा है ये आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इतना जो पार्ट है ना मेरा, क्योंकि ये यूज़ इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन तो मैंने पास किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एसिंक लगा दूँ तो ये मेरा JavaScript का एरर तो ख़त्म हो गया, लेकिन रिएक्ट वाले ना ये वाला एसिंक लगाने मना करते हैं, ठीक है, ये वाला एसिंक लगाने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं भाई ये जो फंक्शन होगा ना ये प्योर फंक्शन होना चाहिए और ये एसिंक वगैरह इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको एसिंक लगा के चेक करते हैं तो क्या होता है, अच्छा एरर ही देता है सीधा सीधा, कह रहा है डिस्ट्रॉय फंक्शन इज़ नॉट अ फंक्शन, डिस्ट्रॉय फंक्शन ये वाला है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय फंक्शन को ही अगर मैं हटा दूँ तो नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एसिंक लगाते हैं ना किसी भी फंक्शन पर तो वो प्रॉमिस रिटर्न करने लग जाता है, तो वो इस वजह से वो एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एसिंक लगाने ये पहले मना करते थे, लेकिन अब इन्होंने बकायदा एरर थ्रो करना शुरू कर दिया है कि आपको लगाना ही नहीं देता वो एसिंक। अच्छा, इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, अब इसके लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ अंदर, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर ये सारा काम करके उस फंक्शन को मैं कॉल करा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा जो ट्राई का ब्लॉक है इस पूरे ब्लॉक को मैं कट करता हूँ और एक इस फंक्शन के अंदर लाके उसको मैं छोड़ देता हूँ, और इस फंक्शन को मैं कहता हूँ कि भाई आप एसिंक हो, सही है, एसिंक फंक्शन बना दिया मैंने। और इस फंक्शन को अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस फंक्शन को मैं सेल्फ कॉलिंग ऐसे बना देता हूँ, सेल्फ कॉलिंग वैसे इस पर शायद लगता नहीं है, लेकिन चलो लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लग जाता है और डेटा भी आ जाता है, परफेक्ट, ठीक है। सेल्फ कॉलिंग ज़रा इसमें पहले इशू करता था शायद, पता नहीं वो कोई इशू था, वो सॉल्व हो गया या क्या चक्कर था। तो जी हमारे पास ये यूज़ इफेक्ट में ना ये पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया एक। अच्छा, इस फंक्शन को मे बी मैं कोई नाम देना चाहता तो नाम भी दे सकता था, ठीक है, जैसे गेट ऑल पोस्ट का मैं एक नाम दे देता और जस्ट इसमें यूज़ इफेक्ट में आके उस फंक्शन को मैं कॉल कर देता तो ये भी सही था। ठीक है, ये फंक्शन अभी मैंने जो एनोनिमस फंक्शन बना के उसको सेल्फ कॉलिंग किया है ना, यानी बनने के साथ साथ वो फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा ही करूँ, मैं इस फंक्शन को कोई नाम भी दे सकता हूँ और नेम्ड फंक्शन बना के उसको जस्ट इस जगह पे जस्ट मैं कॉल सिग्नेचर लगा दूँ उसमें। अच्छा जी, तो अब हमारे पास डेटा आ गया ना ऑल पोस्ट के अंदर स्टोर होना शुरू हो गया है। तो आ जाते हैं जी अब इस ऑल पोस्ट को डिस्प्ले कराने की अब बारी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी एक BR लगाओ लाइन को ब्रेक करने के लिए, और उसके बाद एक डिव लगाओ, और इस डिव के अंदर क्या कर दो, ऑल पोस्ट को जो है ना आप ऐसे करके मैप लगा के डिस्प्ले करवा दो, ठीक है, ऑल पोस्ट डॉट मैप। अच्छा, ऑल पोस्ट डॉट मैप पे मुझे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको मैंने इनिशियली एक एरे रखा है, तो एम्प्टी एरे के ऊपर ना मैप खुद ही काम नहीं करता, सही है, तो कुछ भी एरर नहीं आता। तो ये मैंने इसको क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। आ जाते हैं आप देख लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिस्प्ले होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ईच चाइल्ड शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप का एरर दे रहा है। अच्छा, की पोस्ट डॉट आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, पोस्ट डॉट अंडर स्कोर आईडी एग्जिस्ट करती है,
ठीक है, मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसके अंदर पोस्ट डॉट अंडर स्कोर आई डी है, सही है, तो ये मैंने पोस्ट डॉट अंडर स्कोर आई डी दे दिया, तो वो वाला एरर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वैनिश हो गया। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास, और मैंने ए बी सी टाइटल ए बी सी बॉडी जो लिखा था वो पोस्ट मेरे पास सबसे टॉप पे आ चुकी है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे ये चाहिए कि यार इस पर थोड़ा सा मैं सी एस एस लगा दूँ पहले, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ कि जी क्लास नेम जो है ना आपकी वो है पोस्ट, सही है, क्लास नेम मैंने पोस्ट इसको दे दी, और ऑब्वियसली इस होम डॉट सी एस एस के अंदर जाके मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट पोस्ट लगा के ऐसे करके मैं इसको सी एस एस दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ऐसे करके सी एस एस देने के अलावा भी मेरे पास चलो अभी तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही देते हैं, और इस पर हम एलिवेशन लगा लेते हैं। एलिवेशन हम कैसे लगाएंगे इसके ऊपर, वो लास्ट हमने लगाया था एलिवेशन, वेदर कार्ड में पड़ा हुआ होगा ना, वो ये था ना कार्ड का ये वाला था आइटम सारा, ठीक है, मार्जिन पैडिंग और ये बॉक्स शैडो लगा दिया था, तो ये मसला मेरा सेट हो गया था, और मैंने इसको कह दिया कि यार पोस्ट के अंदर जो है ना, डॉट पोस्ट के अंदर जो है क्या है मेरे पास, H1 है, जो H1 है ना, H2 है, H2 जो है उसको जो है ना 2 REM कर दो आप, ये इसलिए हुआ है कि मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है CSS को ना अभी तक, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट किया मेरा ये कार्ड जो है इस पर अप्लाई होना शुरू हो गया। अब इस कार्ड के ऊपर मुझे क्या चाहिए, एक आदद एडिट और एक आदद डिलीट का बटन, ऐसा ही है ना, आ जाओ लगा लेते हैं। अच्छा, जरा इस पर मैं एक दो पोस्ट ऐसी बनाता हूँ ना, जरा सा टेक्स्ट ज़्यादा लिख देता हूँ, क्योंकि अभी तो ये फील ही नहीं करा रहा ना, पोस्ट जैसा फील नहीं करा रहा। ओहो, इसमें मैंने वो लिमिट लगाई हुई है और मैं भूल गया वो लिमिट लगा के, वो इस पर मैंने मैक्सिमम लेंथ 999 लगा दी है अब, और इस पर मैंने क्या गड़बड़ की है, इसके सबमिट के ऊपर अभी भी गेट वेदर आ रहा है, इसका नाम रखना था मुझे पोस्ट, पब्लिश पोस्ट, ठीक है, अब ये सेट हुआ है, अब इसको मैं पब्लिश पोस्ट करता हूँ, इंस्टेंट क्यों नहीं आ रहा वो बताता हूँ मैं अभी, इंस्टेंट क्यों नहीं आ रहा, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास ना एक पोस्ट बन के आ गई। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक दो पोस्ट इसमें और बना देता हूँ, ताकि ज़रा ये पोस्ट जैसा फील तो कराए, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी आता है इसके ऊपर, रिफ्रेश करने से पहले इसके ऊपर ये नहीं आता है, ठीक है, तो ये दो पोस्ट ज़रा पोस्ट जैसा कुछ दिखने लग गया मेरे पास स्क्रीन पर, तो
तो अब मैं इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, बटन लगा देता हूँ कि एडिट और डिलीट। एडिट और डिलीट, सही है। अच्छा पहले डिलीट की फंक्शनैलिटी को कर लेते हैं। डिलीट की फंक्शनैलिटी में मैं कहता हूँ कि ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन बना देता हूँ मैं कि डिलीट पोस्ट हैंडलर। हाँ सॉरी, एक एलिमेंट एड इवेंट लिसनर, जैसे लगता है उसमें जावास्क्रिप्ट में वैसे ही। मगर इसके अंदर ऑन क्लिक जो है ना रेकमेंडेड है। अगर बटन की क्लिक पे कोई इवेंट लगाना है ना, ऑन क्लिक रेकमेंडेड है, एड इवेंट लिसनर रेकमेंडेड नहीं है। ठीक है, डिलीट पोस्ट हैंडलर करके मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन यहाँ पे बनाना है अब मैंने। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें मैं API कॉल करूँगा तो इसको async बनाना पड़ेगा मुझे, और इसमें मुझे इवेंट भी मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बटन पे जब भी क्लिक होता है या किसी चीज़ पे भी क्लिक होता है तो इवेंट लाजमी उसमें जनरेट होता है। अच्छा इस पर मैंने जो API कॉल करनी है वो एक्चुअली यही वाला है, वो ट्राई कैच वाला काम जो मैंने इसके ऊपर करना है ना, लेकिन जस्ट थोड़ा सा उसको ट्विक करूँगा मैं। लोडिंग बिल्कुल इस पर ट्रू होगी जब तक डिलीट हो रहा हो, जब तक मैं लोडिंग शायद मुझे दिखाना पड़े। ठीक है तो मैं लोडिंग दिखा देता हूँ। अच्छा लोडिंग अभी तो मैंने ज़रा स्क्रीन पे प्रिंट किया हुआ है ना, अदरवाइज लोडिंग ये होता है कि ऊपर फ्रंट पे कोई लोडर बना हुआ रहा होता है या साइड पे लोडिंग लिखा हुआ रहा होता है, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ होती है। तो डिपेंडिंग ऑन, हर तरह हर जगह एक जैसा लोडर नहीं लगता, ये भी ये ध्यान में रखो। अगर मैंने पोस्ट क्रिएट किया है तो उस पर पूरी स्क्रीन पर लोडर क्या मुझे चलाना चाहिए? नहीं, वो पोस्ट का जो फॉर्म है ना जितना, उसके ऊपर मुझे एक पॉप ओवर लगाना चाहिए या उसके ऊपर एक मैंने ओवरले लगाना चाहिए मुझे, ताकि वो जितने देर तक वो लोडिंग चल रहा है मजीद पोस्ट का बटन भी क्लिक ना हो सके। ठीक है, उधर लगाना चाहिए। या मैंने अगर किसी पोस्ट को डिलीट किया है तो उसका लोडर कहाँ चलना चाहिए? उस डिलीट के बटन के ऊपर ही चलना चाहिए, या उस पोस्ट के पूरे बॉक्स के ऊपर चलना चाहिए कि डिलीटिंग पोस्ट ऐसे घूम, पूरी स्क्रीन पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लॉगिन का बटन प्रेस किया तो उस पर मेरे लिए ऑप्शनल है, मैं पूरी स्क्रीन पर भी चला सकता हूँ। ठीक है, चाहूँ तो मैं फॉर्म पर सिर्फ चलाऊँ। ठीक है, तो कुछ जगहों पे जो है वो क्या होता है, पूरी स्क्रीन ब्लॉक करता हूँ मैं, कुछ जगहों पे एक सर्टन पार्ट सिर्फ ब्लॉक करता हूँ, और यानी जस्ट इन्फॉर्म करना जो है ना लोडिंग हो रही है, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि किस लेवल पे इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या पूरी स्क्रीन ब्लॉक करने से बहुत बड़ा मैसेज जाता है? ठीक है ना, और पूरा बंदा रुकना पड़ता है बंदे को, कोई और काम नहीं होता उसे। तो मैंने उसी वाले लोडिंग को लगा लिया, लेकिन मैंने ज़रा बात एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा इसी तरह जो होगा वो रिक्वेस्ट होगी डिलीट की, सही है यार। मगर एक गड़बड़ की ना मैंने, ये डिलीट करने से पहले तो मुझे ये करना था कि जब नई पोस्ट करूँ तो खुद से वो आए, है ना, पहले तो ये वाला काम करना था ना मुझे। अभी तो ये डिलीट तो मैं बना रहा हूँ इस पर, लेकिन जब मैं एक नई पोस्ट करता हूँ यहाँ से तो ये रियल टाइम में मुझे यहाँ दिखे, रियल टाइम में दिखे का मतलब ये है कि जब मैं पोस्ट करूँ तो मैं गेट पोस्ट वाले फंक्शनैलिटी को दोबारा से खुद से कॉल कराऊँ ना, मैं एक्चुअली ये करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो जब पेज लोड होते ही तमाम पोस्ट गेट होती है, ये यूज़ इफेक्ट के ज़रिए होती है। अगर मैं इस यूज़ इफेक्ट को समहाउ दोबारा चला दूँ तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको मैं कैसे करूँगा, ये सबमिट हैंडलर है ना, जो सबमिट हैंडलर ये जब सबसे लास्ट में जब ये चलता है ना, और इसके लास्ट में जाके मैं समहाउ उस यूज़ इफेक्ट को दोबारा चला दूंगा। अच्छा यूज़ इफेक्ट को दोबारा चलाने के लिए करते क्या हैं लोग आमतौर पे? दो तीन तरीके करते हैं छोटे छोटे, तो सब बता देता हूँ मैं। एक तो स्टेट बना लेते हैं अलग से, उसको बोलते हैं टॉगल रिफ्रेश, ऐसे करके नाम रख देते हैं उसका।
और उसको बाई डिफॉल्ट जो है ना वो ट्रू रख देते हैं या फॉल्स रख देते हैं, उसको वो टॉगल कराते रहते हैं, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कराते हैं और उसको इसमें डिपेंडेंसी एरे में पास कर देते हैं। लेकिन हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेट मौजूद है जो एक्चुअली चेंज हो रही है इस जगह पे ना, और वो है सेट अलर्ट। सेट अलर्ट हमारे पास चेंज होता है, ठीक है। जब भी मैं ये सबमिट का बटन दबाऊंगा तो अलर्ट में कुछ ना कुछ सेट ज़रूर होगा, ऐसा ही है। तो अगर मैं इस अलर्ट के ही वेरिएबल को अगर यहाँ पे पास कर दूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। हर केस में ये ऐसा नहीं होगा, हर केस में इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन मेरी अभी जो सिचुएशन है, देखो जब भी मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ तो सबमिट का जब हैंडलर कंप्लीट हो जाता है तो अलर्ट में मैं एक मैसेज दिखाता हूँ ना, यानी अलर्ट में जो भी पहले था उसको मैं चेंज करता हूँ, तो उस चेंज होने पे मैं इस इफ़ेक्ट को दोबारा भी चलवा सकता हूँ, इस इफ़ेक्ट को मैं दोबारा चलवा सकता हूँ, ठीक है। इस इफ़ेक्ट के अंदर आके देखता हूँ कि यहाँ पे तो अलर्ट नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे मैंने अलर्ट को दोबारा चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर मैं अलर्ट को यहाँ दोबारा चेंज कर रहा होता तो फिर मुझे इसमें एक इफ़ भी लगाना पड़ता, अदरवाइज़ वो फिर इनफाइनाइट लूप चल जाता कि वो अलर्ट यहाँ से चेंज होता, उस पर इफेक्ट दोबारा चलता, फिर अलर्ट यहाँ से चेंज होता, फिर उस पर इफेक्ट दोबारा चलता, तो इनफाइनाइट भी हो सकता था। तो अब मैं आके देखता हूँ कि जब जब अलर्ट चेंज होता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको गेट करता है कि नहीं करता। मैंने रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे कुछ लिखा, बॉडी में कुछ लिखा और पब्लिश पोस्ट का बटन दबाया तो ये फ़ौरन मुझे रियल टाइम में दिख गया, ठीक है। दोबारा दबाता हूँ तो ये मुझे दिख जाता है, ये क्या हुआ, अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या हुई है इसके अंदर। प्रॉब्लम इसके अंदर ये हुई है कि अलर्ट में तो हर दफ़ा एक ही मैसेज आता है, अलर्ट में हर दफ़ा एक ही मैसेज आता है, तो वो जब पहली दफ़ा तो सही काम करता है वो, लेकिन दूसरी दफ़ा से वो उसको लगता है कि मैसेज क्योंकि चेंज नहीं हुआ तो उसको वो चेंज कंसिडर नहीं कर रहा, तो इसलिए अलर्ट वाला काम तो नहीं होगा, अलर्ट को हम नहीं लगा सकते हैं। यही करना पड़ेगा मुझे, टॉगल रिफ्रेश लगाना पड़ेगा, ठीक है, टॉगल रिफ्रेश मुझे बनाना पड़ेगा। टॉगल रिफ्रेश के मैंने नाम से मैंने एक स्टेट बना ली, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अच्छा वैसे ये तो मैं यूज़ इफ़ेक्ट वाला तरीका डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन और भी था, एक ऑप्शन और ये था कि यूज़ इफ़ेक्ट में जो मैंने पूरा फंक्शन बनाया ना ये वाला, इस फंक्शन को मैं कट करके यहाँ बाहर बनाता निकाल के ना, और मैं इसको बोलता कि यार कॉन्स्ट गेट ऑल पोस्ट, ऐसे करके मैं बोलता ना गेट ऑल पोस्ट, ठीक है, और इक्वल्स टू करके ऐसे करता मैं इसको, सेल्फ कॉलिंग नहीं रख रहा इसको मैं अब की बार ना, ये जस्ट फंक्शन यहाँ पे बना है, ये फंक्शन गेट ऑल पोस्ट का ना, और मैं इसको इफेक्ट के अंदर आके क्या करता, इफेक्ट के अंदर आके मैं जस्ट इसको ऐसे कॉल कर देता, तो ऐसी सूरत में क्या होता कि फिर मुझे रियल टाइम में पोस्ट को दोबारा गेट करने के लिए ना मेरे पास एक एडिशनल ऑप्शन होता कि मैं इसी फंक्शन को जो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ वो मैं सबमिट हैंडलर के लास्ट में उसको दोबारा कॉल कर देता यहाँ पे इस जगह पर। ये भी एक ऑप्शन है मेरे पास, ज़रूरी नहीं है कि इफेक्ट है मेरे पास तो इफेक्ट के अंदर ही घुस जाऊँ मैं और इफेक्ट का गुलाम बन जाऊँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी तो इफेक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। अभी मैं यहाँ पे एक पोस्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्यू क्यू लिखता हूँ बहुत सारा और करता हूँ हिट तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। दोबारा यहाँ पे मैं जेड जेड लिखता हूँ ज़रा और हिट करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। मैं इफेक्ट से ये काम करवा ज़रूर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इफेक्ट से ही करवाऊँगा तो होगा। मैं गेट ऑल पोस्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं इसको इफेक्ट से अब काम करवाता हूँ, ठीक है। इफेक्ट से काम करवाने के लिए मैं टॉगल रिफ्रेश बनाऊँगा यहाँ पर और सेट, ठीक है, टॉगल रिफ्रेश, और शुरू में इसको रखवा दूंगा मैं फॉल्स मिसाल के तौर पे, सही है, फॉल्स रखवा दूंगा और इस टॉगल रिफ्रेश को, अच्छा यूज़ इफेक्ट से करवाने का बेनिफिट ये होगा कि मैं फिर किसी भी जगह से ना इस टॉगल रिफ्रेश को हिट कर सकता हूँ, किसी भी जगह से मैं टॉगल रिफ्रेश हिट करूँगा तो ये इफेक्ट अपने तौर पर चलेगा, सही है। अलग अलग जगह पर फंक्शन कॉल करना जो है वो शायद इतना कन्वीनियंट नहीं है जितना कन्वीनियंट ये है, ठीक है। तो दोनों लेकिन सही है ऑप्शन, दोनों में से कोई भी आपने किया तो कन्वीनियंट और लेस कन्वीनियंट का तो हो सकता है सवाल, लेकिन सही गलत का सवाल नहीं हो सकता, दोनों तरीका सही है। तो मैंने गेट ऑल पोस्ट को यहाँ पे हिट करवा दिया, अब मैं मेरे पास क्या ऑप्शन है,
मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं एक तो सेट टॉगल रिफ्रेश यहाँ पे करवा दूँ, ठीक है, या यहाँ पे गेट ऑल पोस्ट करवा दूँ हाथ से, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं गेट ऑल पोस्ट को हिट नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, मैं टॉगल रिफ्रेश को हिट कर रहा हूँ। आके यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसको, सही आ गया मेरे पास ये। कौन सा डिफ? पोस्ट के डिफ को अभी हम अलग करेंगे, अभी रुक जाओ। सही है, पोस्ट की जो डिव ये इतना पार्ट है ना, इसको हम अलग कंपोनेंट बनाएंगे अभी। अच्छा जी, अब देखो क्या सीन है, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक तो लगा दिया, सही है, और ऑन क्लिक पे मैंने ये डिलीट का फंक्शन भी चला दिया, लेकिन इस डिलीट के फंक्शन के ऊपर मुझे क्या चाहिए? मुझे ये पूरे की पूरी पोस्ट चाहिए, या एटलीस्ट मुझे इस पोस्ट की आईडी चाहिए, जिसको मैं सर्वर पे भेजूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये डिलीट पोस्ट हैंडल लिखने के बजाय, ऐसे लिखने के बजाय मैं इसको बनाऊँगा एक फंक्शन के अंदर, सही है, मैं इसको बनाऊंगा एक फंक्शन के अंदर। अच्छा, इस डिलीट के बटन के क्लिक पे मुझे कोई प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट तो नहीं करना, ठीक है। तो मेरे पास अगर ये इवेंट मुझे ना भी मिले तो मसला नहीं है, मुझे सिर्फ इस फंक्शन को चलाना है, और किस चीज़ के साथ चलाना है? आईडी के साथ चलाना है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे हिट करता हूँ, और ऐसे हिट करने के बाद देखो अब ये बटन मेरे पास कुछ इस तरह से बन चुका है, ठीक है। ये बटन है, ये उसके ऑन क्लिक के ऊपर एक मैंने यहीं पर फंक्शन बना दिया, और यहीं पे फंक्शन बना के उसके अंदर मैंने एक खुद का फंक्शन कॉल करवा दिया। और इसके अंदर अब मैं क्या दे सकता हूँ, इसके अंदर मैं अंडर स्कोर आईडी दे सकता हूँ, ठीक है, मिल जाना चाहिए मुझे, मिल जाना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये जो पार्ट है मेरा, दिस पार्ट इज़ जावास्क्रिप्ट। क्यों जावास्क्रिप्ट है? ये यहाँ से जावास्क्रिप्ट शुरू है और यहाँ तक जावास्क्रिप्ट ख़त्म है। इसके दरमियान में जो मैं बात लिखूँगा ना, हाँ, पोस्ट डॉट लिखूँगा मैं, पोस्ट डॉट अंडर स्कोर, तो ये मुझे मिलेगा, ठीक है। तो डिलीट पोस्ट हैंडल के अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे मुझे आईडी मिलनी चाहिए, ठीक है, अंडर स्कोर आईडी। और अंडर स्कोर आईडी को मैं कहाँ पे पास करवा दूँगा? स्लैश पोस्ट स्लैश अंडर स्कोर आईडी, सही है। तो अभी देखते हैं हिट करके क्या होता है। हाँ, स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन स्लैश पोस्ट स्लैश आई डी, सही तो है। हाँ, स्लैश डिलीट, नहीं नहीं क्यों स्लैश डिलीट होगा, ये ना एक्सियोस डॉट डिलीट है। हम वैसे देख लेते हैं हमने क्या बनाया है सर्वर पे जाके, हमारे सर्वर पे जो हमने बनाया हुआ ना पोस्ट राउट, इसमें जो डिलीट वाला जो आइटम है, हाँ, राउटर डॉट डिलीट है स्लैश पोस्ट आई डी, और वो ए पी आई वी वन जो है वो पीछे उसके लिखा हुआ है। तो टोटल बनेगी हमारी कुछ इस तरह की ये चीज़ बन रही होगी ना, ठीक है, कुछ इस तरह की हमारी यू आर एल पूरा तैयार हो रहा होगा। अच्छा जी, अब ज़रा हम हिट करते हैं डिलीट, और डिलीट हिट करने पे हम देखते हैं कि हमें आई डी क्या हिट हो रही होती है। मैं नेटवर्क के कॉल पर चला जाता हूँ, नेटवर्क कॉल में मुझे दिख रहा होता है कि यू आर एल क्या हिट हुआ है इस दफ़ा, ठीक है। इस डिलीट के बटन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे नेटवर्क कॉल में जाता हूँ मैं, तो मेरे पास सही है, आईडी सही गई है इसके अंदर, ठीक है जी, परफेक्ट है जी, ज़बरदस्त। और अरे बहुत ज़्यादा जूम इन कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट द बटन दबाता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है, लेकिन ये स्क्रीन से गायब नहीं होता रियल टाइम में। अगेन इसी वजह से कि वो ज़ाहिर है पूरी पोस्ट को मैं दोबारा गेट करूँगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये जो एस एफ वाली पोस्ट है ये यहाँ पे मुझे दिख रही है, जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना तो फिर ये गायब हो जाती है, उसके नीचे वाली आ जाती है, ठीक है। मैं अगेन जिस जिस पर डिलीट दबाता जाऊँगा वो डिलीट होता जाएगा, हाँ, ठीक है। तो अब डिलीट का फंक्शन जब कम्प्लीट होगा
तो मैं उसके लास्ट में क्या कर सकता हूँ, दोबारा से सेट टॉगल रिफ्रेश करके ना इसको ऐसे करवा सकता हूँ। ठीक है, पेज रिफ्रेश मैं खुद नहीं करूँगा ऑब्वियसली, मैं उस डेटा को दोबारा से मंगाऊँगा। रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं डिलीट दबाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि बीबी की बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, डिलीट होना शुरू हो गया ये, अब रियल टाइम में मुझे डिलीट होता हुआ दिख रहा है ये, सही है। अच्छा, मेरी ये पूरी जो मेरी पूरी पोस्ट मूव करती है ना वो अप एंड डाउन, इसका रीज़न ये है कि मैंने जो यहाँ पे लगाया है ना अपने JSX में, ये इज़ लोडिंग पे पैराग्राफ जो मैंने लगाया है, ये इसकी वजह से हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो शायद मुझे ये करना चाहिए कि यहाँ पे एक पैराग्राफ इधर लगाना चाहिए और इस पैराग्राफ के अंदर मुझे ये काम करना चाहिए। सही है, इस पैराग्राफ के अंदर मुझे ये काम करना चाहिए और यहाँ से ये पैराग्राफ ही मैं हटा दूँ। सही है, ताकि वो एक पैराग्राफ मतलब डॉम पे आ रहा है और जा रहा है, एक पैराग्राफ जो है ना मेरे डॉम पे आना और जाना कर रहा है, तो वो हरकत ना करे। सही है, अभी मेरा काम बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन हो गया। अब मैं कोई यहाँ पे पोस्ट करूँगा भी तो ये मूव नहीं करनी चाहिए मेरी API, ये क्या चक्कर है? ओ यार, अलर्ट एक कीवर्ड है, अलर्ट के नाम से वो कह रहा है स्टेट नहीं बना सकते आप। अच्छा नहीं, वो सही है, वो गलत कर दिया मैंने। नहीं नहीं वो सही है, इशू नहीं था उसका। ये क्या चक्कर है यार, अभी भी ये आ रहा है। अच्छा ये चक्कर है। ये ना मूव कर रहा है, अगर इसमें मैं कुछ लिख दूं, अगर एक डॉट लगा दूं इसके अंदर मैं, तो ये मसला मेरा हल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली मैं डॉट तो नहीं लगा सकता ना। सही, अब ये मेरा मसला डॉट लगाने से हल हो जाता है। कोई ऐसा एलिमेंट होता है हमारे पास जिसकी हाइट फिक्स होती है, अगर मैं इसमें डिव लगा दूं तो? और ये डॉट हटा के डिव लगाऊं अगर? नहीं भाई, पहले से कुछ भी नहीं है। एक हल है इसका, एक हल ये है कि मैं इसको जो है ना इन लाइन एलिमेंट कर दूं कोई, ताकि वो बटन के सामने आ जाए। इसका एक हल मेरे अभी नज़र ये आ रहा है कि मैं बटन के इसको सामने लगाऊं, इस पूरे डिव को यानी फॉर्म के अंदर ही लगा दूं मैं इसको, और इसको मैं इन लाइन एलिमेंट कर दूं ताकि ये बटन के फ्रंट पे आ जाए, बजाय इस तरफ आने के ना ये बटन के फ्रंट पे आ जाए। अब मेरी UI को मूव नहीं करेगा ये। ठीक है, लेकिन स्टिल इसका प्रॉपर हल ये नहीं था, प्रॉपर हल ये था कि मैं उसको एक हाइट दे देता फिक्स, ताकि वो अपनी हाइट लेके खड़ा रहता। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैंने No CSS वाला एक सॉल्यूशन तलाश करके और उसको लगा दिया। ठीक है, मच बेटर यार, वो UI ऐसे हिलती है ना, एक एंजाइटी देती है, वो दिमाग हिला देती है। ठीक है, डिलीट ये परफेक्टली होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब मेरे पास सीन कुछ ऐसा है कि डिलीट के बाद एडिट का भी मेरे पास ऑप्शन है। अगर अरे ये क्या हुआ, ऑन क्लिक के ऊपर मेरे पास अब है एडिट का ऑप्शन ना, तो मैं क्या करूँगा, एडिट पोस्ट का यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा और उसके अंदर पूरी की पूरी पोस्ट मैं पास करूँगा। राइट, मैं पूरी की पूरी पोस्ट इसके अंदर पास कर रहा हूँ। राइट, अच्छा, इस
बटन के जो है ना क्लिक के ऊपर जो मैंने फंक्शन चलाना है उसमें मैंने करना क्या है, उसमें मैंने करना ये है कि एक फॉर्म बना हुआ होगा मेरे पास अलग से, ये वाला नहीं जो ये फॉर्म है, ये वाला नहीं, एक अलग से फॉर्म बना हुआ होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होगा, उसको मैंने करवाना है डिस्प्ले। और उसको मैंने डिस्प्ले करवाने के बाद क्या करना है, उसको मैंने डिस्प्ले करवाने के बाद उसके अंदर वो वैल्यूज़ दिखानी है जो पहले से उस पोस्ट में मौजूद हैं, और उस वैल्यू को दिखाने के बाद जब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो उस फॉर्म के ऊपर, तो वो फिर डेटाबेस पे एपीआई कॉल लगानी है। ठीक है, अब देखते हैं ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो वो वाला फॉर्म जो होगा ना वो एक्चुअली इसी मैप के साथ साथ ही वो बन रहा होगा वो फॉर्म, राइट। इसी जो मैप चलाऊंगा मैं उसमें मैंने जो H2 और ये पैराग्राफ और ये जो बटन है एडिट का और डिलीट का, इसी एडिट और डिलीट के बटन के फौरन बाद मैं यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा एक्चुअली, है ना, ताकि वो जितनी दफ़ा मैप चले ना उतने एडिट के फॉर्म पहले से ही बन चुके हों लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होंगे। सही है। और ठीक है जी, ये बिल्कुल सही सजेशन है। तो ये मेरे एडिट का फॉर्म बन गया, ये मेरे एडिट का फॉर्म बन के तैयार हो गया। अच्छा जी, अब इस फॉर्म में जो चीज़ें लिखी हुई वो ठीक है, टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर टाइटल टेक्स एरिया बॉडी। अच्छा, स्टिल मुझे इसमें वैलिडेशन लगानी चाहिए HTML5 वाली, लेकिन वो फ़िलहाल नहीं लगा रहा, लेकिन वो ऑब्वियस बात है वो लगानी चाहिए हमें। ठीक है, बैकएंड पे भी लगानी चाहिए, इधर भी लगानी चाहिए, दोनों जगह, यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, बैकएंड पे सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, सेव का एक बटन है जिस पे सबमिट हो जाएगा और कैंसिल का एक बटन होगा जिस पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, और ये स्पैन हो गया और ये सब कुछ ओके हो गया। इसमें अलर्ट में जो बात लिखी हुई होगी वो दिख जाएगी और इसमें लोडिंग होगा तो लोडिंग दिख जाएगी। अच्छा, इस अलर्ट वाले को मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ एडिट अलर्ट। सही है, क्योंकि एक अलर्ट हमारे पास एक पहले से भी मौजूद है ना, तो वो वाला अलर्ट जो है वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। अच्छा, इस फॉर्म के ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, सबसे पहले तो एक अदद CSS लगा देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि यार एडिट फॉर्म है ये अभी, क्योंकि मैंने इसको क्या किया वो नहीं करवाया ना। नहीं नहीं किसी और चीज़ का, एडिट पोस्ट, एडिट अलर्ट, एडिट अलर्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, तीनों का ही एरर दे रहा है। एडिट पोस्ट के नाम का फंक्शन इस वक्त मौजूद नहीं है ना, चलो बना देते हैं। एडिट पोस्ट के नाम का फंक्शन आ गया और ऊपर एक स्टेट मुझे चाहिए होगी एडिट अलर्ट के नाम से। सही है, सेट हो गया। अब देखो, अब होता क्या है कि जो पोस्ट मेरी रेंडर होती है ना, पोस्ट के साथ साथ मेरे पास ये एक छोटा सा फॉर्म भी रेंडर होता है। ठीक है, एक छोटा सा क्या होता है, फॉर्म भी रेंडर होता है। और इस फॉर्म को मैं क्या बता देता हूँ, इस फॉर्म को मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या हो, आप ना कार्ड भी हो। यार ये कार्ड वाली चीज़ पे क्यों नहीं अप्लाई हुई,
अच्छा पोस्ट मैंने नाम रखा है ना इस बार इसका, इसको भी मैं बोलता हूँ भाई तुम भी ना एक मतलब इस पर मैं पोस्ट वाली क्लास लगाऊंगा तो एक्चुअली क्या होगा कि ये छोटा सा है कि ये भी एक पॉपअप की तरह दिखेगा, लेकिन मैं इसको एक्चुअली यहाँ नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं एक्चुअली यहाँ नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं क्या करूँगा ज़रा इससे बाहर निकालूंगा मैं, और इसको मैं एडिट फॉर्म करके एक क्लास और देना चाह रहा हूँ। एडिट फॉर्म करके जब मैं इसको क्लास दूंगा ना तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई आपकी जो पोजीशन है वो क्या है, फिक्स्ड है ठीक है, और टॉप से 50% है, और राइट से 50% है ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये, और ये 50% क्यों नहीं हुआ, ये असल में सारे के सारे जो वो डब्बे थे ना वो एक साथ रेंडर हो गए सही, इसलिए वो 12-15 रेंडर हुए ना तो ये शेडो अजीब सा हो गया ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर भी मैं एक दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है ना इसका वो वाइट है, सही है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, देखो वाइट है अभी ना ज़रा टॉप पे आ गया। तो इस तरह से मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है अभी नहीं, लेकिन अभी ये बहुत सारा ना एक ही जगह पे डिस्प्ले हो गया, अभी मैंने ये देखना है कि ये इस दरमियान में क्यों नहीं आया। अच्छा, ये तो जहाँ पे मौजूद था ये वहाँ से मूव कर रहा है। पोजीशन इसकी मैं फिक्स करता हूँ, इसको तो एक्चुअली चले जाना चाहिए, फिक्स के अलावा भी क्या होता है, स्टेटिक होता है क्या यार, वो कौन सी पोजीशन होती है जिसमें ये बिल्कुल टॉप पे चला जाता है, फिक्स्ड ही होती है यार, एब्सोल्यूट होती है, नहीं नहीं यार फिक्स्ड होती है, एब्सोल्यूट में तो ये होती है ना ये स्क्रॉल हो रही होती है, फिक्स में ये होती है बिल्कुल ही फिक्स हो जाती है। ये टॉप तो चलो मैंने दे दिया, टॉप मैंने दे दिया इसको जीरो, और राइट मैंने इसको दे दिया, ये भी दे दिया इसको मैंने जीरो, तो ये टॉप राइट पे चला गया, लेकिन मैंने तो दरमियान में लाना है ना इसको, पिक्सल में दूंगा ये डिफरेंट स्क्रीन पर डिफरेंट तरह से इसको बिहेव करेगा। एक्चुअली होना ये चाहिए कि मैं टॉप राइट कुछ भी ना दूं ना अगर, तो ये डायरेक्ट ऊपर जाके खड़ा हो जाए कॉर्नर पे, और मुझे लग रहा है इसके पेरेंट को भी कुछ बोलना पड़ता है, इसके पेरेंट को भी ना कुछ बोलना पड़ता है। मार्जिन नहीं, पोजीशन से ही वो होगा, सेंटर होगा। मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि इसके पेरेंट को ना मुझे रिलेटिव करना पड़ता है। मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि इसका जो पेरेंट होता है ना उसको रिलेटिव करना पड़ता है, फिर जाके होता है ये। तो एडिट फॉर्म का जो पेरेंट है वो कौन है ज़रा देख लेते हैं इसको। एडिट फॉर्म का जो पेरेंट है वो है पोस्ट, इसका पेरेंट है, हाँ पोस्ट इसका पेरेंट है। तो मैं पोस्ट को जाके क्या बोलता हूँ कि यार आपकी जो पोजीशन है ना वो रिलेटिव है, इस तरह का मुझे याद पड़ रहा है कि कुछ मैंने, क्या करना होगा,
स्टिकी स्टिकी वैसे डिफरेंट चीज़ है, नहीं हुआ ना स्टिकी से, कुछ भी नहीं हुआ भाई, ये फिक्स ही होगा, कोई गड़बड़ कर रहा है ये। इसको मैं कहता हूँ कि यार टॉप और बॉटम दोनों से अगर मैं 50-50% बता दूँ इसको, और राइट के साथ इसको मैं लेफ्ट से भी बोल दूँ कि भाई यार 50% हो, तो क्या तब ये चारों साइड से उसको, नहीं गड़बड़ कर दी इसने। अच्छा इसकी विर्थ हाइट भी इसको बता देता हूँ मैं, इसकी बोलता हूँ भाई कि जो आपकी विर्थ है ना वो आपकी है भाई 300 पिक्सल है, और हाइट आपकी जो है वो 150 पिक्सल है, ठीक है। ये हुआ तो है लेकिन ये सेंटर नहीं हो रहा, ये सेंटर नहीं हो रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम है ना, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो रहा है ना ये वर्टिकली सेंटर हो रहा है। सही है, ये है गड़बड़, कि सेंटर होने का नाम नहीं ले रहा जस्ट। यहाँ से इस जगह से 50% कर रहा है, मुझे समझ आ रहा है ये अभी क्या एक्चुअली हो रहा है क्या है। सही कह रहा है ये, एक्चुअली 50% ना इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है 50% इसके, तो इस वजह से ना अगर मैं इसको फिर 50% से कुछ कम कर दूँ, अगर मैं इसको इसको मैं अगर 40-40 कर दूँ दोनों को, तो फिर ये होता है सेंटर में मोर और लेस। यस 10% इसकी मैंने हाइट दे दी, हाँ मोर और लेस ये सेंटर में तो हो गया, और इसकी मैं इसको विर्थ दे देता हूँ 30%। सही है, विर्थ 30% देता हूँ मैं, तो फिर इसको मैं 30 दे दिया तो 60 तकरीबन बच गया ना, तो इसको भी मैं 30 दे देता हूँ। सेवेंटी है ना, 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है। काइंड ऑफ ये सेंटर तो हो गया, लेकिन यार स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये देखो ना ये तो साइड पे हो गया, क्या बकवास है ये। हाँ यार अब हुआ है सही, मैं परसेंट लगाना भूल गया था, परसेंट लगाना मैं भूल गया था एक्चुअली। अरे एक काम तो मैं उसमें और भी नहीं किया मैंने, ये पीछे वाला तो दिख रहा है अभी भी, ये पीछे वाला कोई भी नहीं दिखना चाहिए एक्चुअली, मैंने करना ही था, मैंने गड़बड़ की है अभी अगेन। इस पे मैं जाऊंगा और इस पे मैं जाके इसको क्या बोलूंगा, एक यहाँ पे डिव भी लगाऊंगा मैं एक्चुअली, और इस डिव को मैं एक क्लास नेम दूंगा जो कि क्या होगी कि एडिट ओवरले, एडिट ओवरले पहले तो मैं लगाऊंगा, और एडिट ओवरले जो होगा ना वो क्या होगा, उसकी विड्थ 100% होगी, हाइट इसकी 100% होगी, और पोजीशन इसकी भी होगी फिक्स्ड, ठीक है, और कलर होगा इसका ब्लैक, और ब्लैक की थोड़ी सी ओपेक्सिटी इसकी कम होगी। ये दिखा नहीं ये, ओह यस बैकग्राउंड कलर आएगा,
अब ये सही दिखा है, इसको क्या हो गया? अच्छा टॉप, इसको मैं बोल देता हूँ कि ज़ीरो, और लेफ्ट ज़ीरो, सही है। ये एक्चुअली वो इतना सारे दफ़ा रेंडर हो गया ना, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, वो मुझे बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया। सही है, तो जब मैं एडिट का बटन दबाऊंगा ना, तो पीछे ओवरले खुलेगा और ओवरले के ऊपर ये खुलेगा। जो ओवरले की जो ओपेक्सिटी है वो मैंने 50% रखी है, लेकिन वो क्योंकि इतनी सारी दफ़ा वो रेंडर हो गया ना, कि जिसकी वजह से वो गड़बड़ करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ इसको थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये मैंने क्यों किया है, ताकि मैं साइड पे क्लिक ना कर सकूँ, किसी और डिलीट बटन पे, किसी और एडिट के बटन पे मैं बैक वक्त क्लिक ना कर सकूँ। और मैं इसके ऊपर एक इवेंट भी लगाऊंगा, इस इवेंट के ऊपर मैं इसको बॉक्स को रिमूव कराऊंगा। मैंने बॉक्स दिखाया हुआ है ना, एडिट बॉक्स, अगर मैंने बाहर क्लिक किया इसके, तो ये ऑटोमेटिकली ये बॉक्स गायब हो जाएगा, यानी कैंसिल का काम करेगा ये, अगर मैंने बाहर की साइड पे किसी भी जगह क्लिक किया तो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी हमने की है ना, ये पूरे ओवरले वाली, इसको यार उधर हटा के ना वो वाला कर लेते हैं हम, जो हम HTML के अंदर करते थे ना, कि उसी एलिमेंट को पूरे को टॉगल करा देते थे। इसमें ज़रा CSS ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, जो कि हमारा पॉइंट नहीं है इस वक्त ना, CSS पढ़ना हमारा इस वक्त पॉइंट नहीं है। तो जो है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, इस पर से ये क्लास व्लास हटा देते हैं ओवरले वाली, तो ये खुद ही से क्या हो जाएगा, HTML की जो हमने प्लेन ऐप बनाई थी उसमें हमने ये किया था कि ये पूरा का पूरा जो पोस्ट होती है ना, ये पूरे के पूरे पोस्ट गायब हो जाती थी और उसकी जगह पे एक फॉर्म आ जाता था। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ। जाहिर है दो पार्ट जो मैंने टॉगल कराने हैं, यानी साइड बाई साइड दिखाना है, और इसको मैं जो है ना एक डिव में रख देता हूँ। ये है मेरी पोस्ट, सही है, सारे बटन शटन इसमें आ गए। और उसके बाद जो है ना नीचे ये एक अदद क्या है मेरे पास, फॉर्म है ये, ठीक है, ये नीचे फॉर्म है मेरे पास। ये अभी तक खड़ा हुआ क्यों है यहाँ पे, अच्छा वो CSS इस पर लगी हुई है ना अभी तक। ओवरले तो अब है ही नहीं हमारे पास, ओवरले को मैंने हटा दिया है। और इसकी जो पोजीशन फिक्स है इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये टॉप लेफ्ट वगैरह हटा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और विर्थ हाइट की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एडिट फॉर्म पे किसी किस्म की कोई CSS नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस पे ज़रा लाइन ब्रेक लगा लेते हैं, ये एक ही लाइन में सारा का सारा जो दिख रहा है ना मुझे, सही है। टैक्स एरिया के बाद भी लाइन ब्रेक लगा लेता हूँ मैं, अब ये कुछ इस तरह से मुझे दिखने लग गया है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली करना क्या है, ये पूरी की पूरी पोस्ट को मैं गायब करा के और सिर्फ ये फॉर्म डिस्प्ले करा दूंगा ना, तो ये वाला काम रिलेटिवली ज़रा आसान है। मैंने जस्ट एक क्या लगाना है इसके ऊपर, एक मैंने इसके ऊपर जो है ना वो लगाना है इज़ एडिट करके ना, मैंने एक चीज़ इस पर लगानी है, तो वो मैं जैसे ही लगा दूंगा तो वो सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो ये वाला डिव है ना, इसके अंदर वो पोस्ट डिस्प्ले हो रही है और नीचे फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार पोस्ट डॉट इज एडिट, अगर इज एडिट है ना तो क्या कर दोगे आप, तो आप कुछ और दिखाओगे, यानी कि एडिट का फॉर्म दिखाओगे आप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इज एडिट अगर है तो ये फॉर्म दिखाओगे आप, ये मैंने कह दिया इसको, और एल्स अदरवाइज, अदरवाइज आप दिखाओगे ये वाली चीज़, ठीक है। तो एक वक्त में ना एक ही चीज़ दिखेगी, अच्छा इज एडिट बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है इज एडिट, तो जब पोस्ट के अंदर इज एडिट मौजूद नहीं है तो फॉर्म ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नहीं हो रहा है मेरे पास, ठीक है। और जैसे ही मैं क्या करूँगा, पोस्ट डॉट इज एडिट को मैं ट्रू करूँगा, तो फॉर्म मेरे पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेटिवली ज़रा आसान है ये वाला ना, इसमें CSS इन्वॉल्व नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो अब मैंने जो एडिट का बटन जो किया हुआ है मेरे पास, एडिट का जो बटन मैंने किया हुआ है, इस एडिट के बटन के ऊपर मैंने क्या करना है, एडिट पोस्ट करना है, एडिट पोस्ट का फंक्शन कॉल करना है, और इस फंक्शन के अंदर जो मेनली मैं काम कर रहा हूँ वो मैं काम ये कर रहा हूँ कि इस पोस्ट को जाके इसका इज एडिट मैं ट्रू करवा दूंगा। तो क्या ख्याल है, इसको मैं यहीं पे करवा सकता हूँ, क्योंकि ये एक लाइन का कोड है,
दिस इज़ जस्ट वन लाइन कोड ना, तो इसको मैं यहीं पे करवा देता हूँ। अच्छा कैसे करवा दूंगा मैं यहीं पे? मैं कहता हूँ कि यार सेट ऑल पोस्ट, राइट, सेट ऑल पोस्ट का मैंने फंक्शन कॉल किया, और सेट ऑल पोस्ट का फंक्शन कॉल करने के बाद उसमें मैं क्या पास करता हूँ, जो तमाम की तमाम पोस्ट है वो पास करता हूँ। लेकिन इन तमाम की तमाम पोस्ट को पास करने से पहले, है ना, जो भी ऑल पोस्ट एक्चुअली ना, ऑल पोस्ट सही है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करने से पहले मैंने क्या करना है कि इसके अंदर जो मेरी वाली करंट पोस्ट है उसका जो है ना डॉट इज़ एडिट चेंज करना है समहाउ। ठीक है, कैसे कर पाऊँगा मैं ये काम? मैं ये काम ऐसे करूँगा, दो तरीके हो सकते हैं इसके शायद। नंबर एक तरीका तो ये हो सकता है कि मुझे इस पोस्ट का ना अंडर स्कोर आई डी पता है ना, इस पोस्ट की मुझे अंडर स्कोर आई डी पता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, ऑल पोस्ट के ऊपर एक मैप चलाऊँ और हर इंडेक्स पे जाकर उसकी आई डी मैच करूँ, जिसकी आई डी मैच हो जाए उसका इज एडिट मैं ट्रू कराऊँ, और ट्रू करा के फिर ये उसको ऑल पोस्ट के अंदर मैं सेट करवा दूँ। एक तो तरीका मेरे पास ये हो सकता है। अच्छा क्या दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है इसका? दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? अच्छा दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि मुझे ना साथ में इंडेक्स भी मिलता है। ये मैप है ना जो, क्या हुआ इसको, गई नेट का मसला है एक्चुअली, यू आर राइट, ये इंटरनेट का इशू है। अच्छा दूसरा ये तरीका मैं बता रहा था कि जब ये ऑल पोस्ट के ऊपर मैं मैप चलाता हूँ ना, तो साथ में मुझे ना कॉमा डाल के इंडेक्स भी मिलता है, सही है, इंडेक्स भी मिलता है। तो इस इंडेक्स में मुझे जहाँ पोस्ट मिल रही होती है वहीं पे पोस्ट का इंडेक्स भी मिल रहा होता है, तो मुझे ये इंडेक्स पता है एक्चुअली ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा ऑल पोस्ट का जो इंडेक्स है ये वाला डॉट इज एडेड, उसको ट्रू कर दो, सही है। तो इससे मुझे ना मैप चला के उसको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये इंडेक्स पता है, तो इसी इंडेक्स पे मैंने इस एडिट को ट्रू कराया और सेट ऑल पोस्ट करके मैंने इसको सेट करा दिया ये। अच्छा क्या ऐसे करने से ये हो जाएगा चेंज, ये जो मैंने लाइन लिखी है ऐसे करने से चेंज हो जाएगा, इसमें कोई मसला है? इसमें मसला ये है कि इसको मुझे क्लोन कराना होता है, राइट, सही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ तो इसको चेंज पता नहीं लगेगा कि चेंज हुआ है कुछ, याद है ना, जब स्टेट वेरिएबल में मैंने एरे सेव कराया हुआ होता है तो जब भी उसको मैं अपडेट करता हूँ तो क्या करता हूँ, उसको नया क्लोन देता हूँ उस एरे का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नया क्लोन देने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिए, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दूंगा ना, मैंने ऑल पोस्ट को देखो मॉडिफाई तो कर दिया है, मैंने ऑल पोस्ट को मॉडिफाई तो कर दिया, लेकिन मैं इसको ऑल पोस्ट इस तरह दूंगा ना, इसको पता ही नहीं लगेगा, ये समझेगा कुछ भी चेंज नहीं हुआ और री रेंडर नहीं करेगा, लिहाजा स्क्रीन पे मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, इसको ऐसे करके इसका नया क्लोन बनाना होगा। सबको समझ आ रहा है ये नया क्लोन क्यों बना रहा हूँ मैं? एरे क्लोनिंग सब लोगों को पता है? अभी इतने ब्लैंक क्यों हो गए तुम लोग, समझ आ रहा है ना, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछो। अब मुझे लग रहा है कि दिल में बोल रहे हो कि सर समझ तो कुछ भी नहीं आया। देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर, चलो इसको एक दफ़ा चला लेते हैं ना, हिट करते हैं, चल जाएगा ना फिर। एडिट का बटन जैसे ही दबाता हूँ तो ये क्या हुआ, सही है, एडिट का बटन जैसे ही दबाता हूँ तो ये मेरे पास फॉर्म आ जाता है, ठीक है। अच्छा फॉर्म के ऊपर मैंने जो ये शेडो मेडो लगाया हुआ है, अब इसकी भी शायद मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर शेडो भी डबल डबल हो रहा है। तो फॉर्म के ऊपर से जो ये मैंने क्लास नेम लगाई है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, एडिट का बटन प्रेस करता हूँ, यहीं पर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखो कैसे हो रहा है, गौर से समझो इसको, दोबारा से बता रहा हूँ पूरा। मेरा पेज लोड होता है, ऑल पोस्ट के अंदर तमाम की तमाम पोस्ट आके एरे के तौर पे सेव हो जाती है। इस पोस्ट के ऊपर मैं मैप चलाता हूँ और मैप चला के मैं क्या करता हूँ, इस तमाम की तमाम पोस्ट को मैं यहाँ पे रेंडर करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि जी एक टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि यार अगर पोस्ट के अंदर ना अगर इज एडिट जो है अगर वो ट्रू है तो आप क्या दिखाओ, आप फॉर्म दिखाओ। अब फॉर्म के अंदर क्या दिखाओ, इट डजेंट मैटर राइट नाउ, फॉर्म के अंदर क्या है वो अभी मैटर नहीं करता। मैंने कहा इज एडिट अगर है तो फॉर्म दिखाओ, और अगर नहीं है इज एडिट अनडिफाइन है अगर, तो उसकी जगह आप ये पोस्ट दिखा दो। पोस्ट में मैंने कहा पोस्ट डॉट टाइटल, पोस्ट डॉट टेक्स्ट, ये समझ आ गया कि या तो फॉर्म दिखाऊंगा मैं या तो पोस्ट दिखाऊंगा। अच्छा
अब क्या होता है जी, जब मैं पोस्ट को डिस्प्ले करवाता हूँ तो वहाँ पे एक बटन होता है एडिट का। इस एडिट के बटन के ऊपर समहाउ मैं ये करता हूँ कि जो मेरा स्टेट वेरिएबल था उसमें जो पूरा एरे था उसमें इस वाली पोस्ट के अंदर जाके इस एडिट को ट्रू करा देता हूँ। वो जैसे ही इस एडिट ट्रू होता है, ये पूरा का पूरा रेंडर जो है ना, ये पूरा का पूरा मैप जो है वो दोबारा से चलता है, और किसी एक पोस्ट के लिए जो है ना इस एडिट ट्रू हुआ वो होता है, तो वहाँ पे मुझे वो फॉर्म दिख जाता है, बाकी पोस्टों में मुझे पोस्ट दिख रही होती है। ये समझ आई सब लोगों को बात? ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कि मैं इसको इस एडिट को चेंज कैसे कराता हूँ। इस एडिट को चेंज कराने के लिए मैंने ऑन क्लिक पे यहीं पे एक छोटा सा फंक्शन बना लिया है, ठीक है, क्योंकि ये मैं एरे पे मैप कर रहा हूँ, तो एरे पे मैप करने का मतलब है कि मुझे एरे का इंडेक्स भी मिल रहा है, मैप के साथ साथ मुझे इंडेक्स भी मिलता है इसका, ठीक है। तो वैसे मुझे मतलब इस पोस्ट का पता है कि यार ये मेरे पास लोकल वेरिएबल है, जाहिर है ना, स्टेट जो होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, तो लोकल वेरिएबल में एक मिसाल के तौर पर 12 इंडेक्सेस का एक एरे मेरे पास मौजूद है, तो जितनी दफ़ा आइटरेट होता है मुझे हर दफ़ा एक एक आइटम करके देता है और उसका इंडेक्स भी देता जाता है, तो मुझे उसका इंडेक्स पता था, तो मैंने कहा भाई ऑल पोस्ट का इंडेक्स जो अभी मिला हुआ है मुझे उसका इज एडिट जो है ना वो ट्रू करा दो। सही है, इज एडिट बाय डिफॉल्ट तो था ही नहीं इस पोस्ट में, लेकिन जब मैंने डॉट लगा के इज एडिट किया तो वो आ गया, वो इज एडिट नहीं मतलब पहले नहीं था ऑब्जेक्ट में, वो आ गया लेकिन, और वो ट्रू हो गया। इतनी लाइन लिखने से अभी कुछ भी नहीं हुआ, रीरेंडर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि ऑल पोस्ट को जब मैंने, अच्छा ऑल पोस्ट को ना इस तरह एडिट करते नहीं है वैसे, ऑल पोस्ट को, ये ऑल पोस्ट क्या होता है, कॉन्स्ट होता है, अभी मैं इसको कॉन्स्ट करूँगा ना तो ये एरर भी देगा शायद, नहीं कॉन्स्ट ही है वैसे ये, अच्छा एरे पे पुश पॉप चल जाता है ना कॉन्स्ट में भी शायद, इस वजह से हाँ कॉन्स्ट ही है ये, एरे में पुश पॉप चल जाता है इसलिए एरर नहीं दे रहा। वेल तो मैंने क्या किया, ये ऑल पोस्ट को ना, ऑल पोस्ट क्या होता है, जस्ट एक सिंपल वेरिएबल होता है, इसको चेंज करो तो चेंज होने से कुछ भी नहीं होता, यानी रेंडर नहीं होता, जब भी मैं सेट ऑल पोस्ट करूँगा तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो मैंने क्या किया, टेम्पररी वेरिएबल के तौर पे इसको यूज़ करते हुए मैंने कहा भाई इसको क्या करो, चेंज मारो, और चेंज करने के बाद इसी वेरिएबल को उठा के मैंने दोबारा सेट पोस्ट में कॉल किया और नया क्लोन बना के उसका पास किया ताकि उसको री रेंडर समझ आ जाए, नया क्लोन बना के मैंने उसको पास कर दिया। अच्छा अब मुझे यही करना है काम कैंसिल के ऊपर, अब मुझे यही काम कैंसिल पे भी तो करना है ना। अब ये मेरे पास फॉर्म बना हुआ आ गया। अच्छा फॉर्म में मैं क्या डिस्प्ले करवा देता हूँ, फॉर्म में मैं डिस्प्ले ये करवा देता हूँ यार, वैल्यू और पोस्ट डॉट टेक्स्ट, सही है ना, ताकि जब मैं, ये क्या बकवास है, अच्छा ईच पोस्ट, ये मैंने गलत फॉर्म में एडिट मार दिया, इस फॉर्म में एडिट नहीं मारना था मुझे, ये जो नीचे ये वाला फॉर्म है इसमें मारना था एडिट, ठीक है ना। टैक्स एरिया में मैं क्या चाहता हूँ कि जब टैक्स एरिया मेरा डिस्प्ले हो ना तो उसके अंदर पोस्ट डॉट टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ रहा हो, सही है, पहले से ही लिखा हुआ रहा हो उसके अंदर, इसी तरह टाइटल भी पहले से लिखा हुआ रहा हो। मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ वैल्यू और पोस्ट डॉट टाइटल, प्लेन जावास्क्रिप्ट की जो ऐप बना रहे थे उसमें ये काम बड़ा मुश्किल था, रिएक्ट के अंदर निस्बतन ये काम बड़ा आसान है, सही है। तो ये इस तरह से रेंडर होता है, तो इसके अंदर जब ये फॉर्म, देखो दोबारा बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली ये हो रहा है कि ऑल पोस्ट के ऊपर मैं मैप करता हूँ, ऑल पोस्ट के ऊपर मैप करके मैं टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ कि भाई अगर इस ऑल पोस्ट के अंदर जितनी भी पोस्टें हैं हर पोस्ट के लिए एक एक दफ़ा आइटरेट करो, और जब तुम आइटरेट कर रहे हो और उस पर इज एडिट अगर ट्रू है तो फॉर्म दिखाओ, अदरवाइज पोस्ट दिखा दो। अच्छा जब मैं पोस्ट दिखाता हूँ तो उसको मैं H2 में डिस्प्ले कराता हूँ टाइटल और टेक्स्ट को, लेकिन जब मैं फॉर्म डिस्प्ले कराता हूँ तो मैं इनपुट और टेक्स्ट एरिया में उसको डिस्प्ले कराता हूँ, ठीक है, लेकिन एट द एंड में उस पोस्ट को ही डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अच्छा ये हो गया जी मेरा काम, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अब इस पे सबमिट के बटन पे तो API कॉल होगी सीधी सीधी, वो तो आपको पता है कैसे होगी वो, लेकिन सबमिट के बटन पे API कॉल करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैंसिल के बटन के ऊपर ज़रा हम वो लगा लेते हैं। कैंसिल के बटन पे मैंने क्या करना है, इसको वापस पोस्ट में कन्वर्ट करना है, जो मैंने टॉगल इज एडिट को ट्रू किया था ना, इज एडिट को दोबारा मैंने फॉल्स करना है, तो मैं बोलूँगा ऐसे करके इज एडिट फॉल्स, ये मैंने क्या कर दिया, सही है। तो ये मेरा टोटल जो है वो कैंसिल का बटन इस वक्त ये है मेरे पास, ठीक है। इस बटन के क्लिक पे मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई पोस्ट डॉट एडिट, अच्छा ये इसने गड़बड़ मारी है, अच्छा चलो देखते हैं, शायद ऐसे करके ये काम करना तो नहीं चाहिए, इसको करना इसलिए नहीं चाहिए
क्योंकि जो मैप के अंदर जो मुझे ईच पोस्ट मिल रही होती है ना, उसका ओरिजिनल वाले एरे से कोई ताल्लुक नहीं होता ना। लेकिन इसने इस तरह करके सजेशन दिया, चेक करता हूँ, हो तो होगा तो नहीं, वैसे ही है अभी हो रहा है यार। गुड यार, एडिट, और इसको जब मैं कैंसिल करता हूँ, अच्छा, वाओ, ये मुझे नहीं पता था कि ये हो जाता है। मुझे ये लगा था कि जो जब मैप चलता है ना, ऑल पोस्ट के ऊपर जब मैप चलता है, तो अंदर जो मुझे ईच पोस्ट मिल रही होती है, वो हर दफ़ा एक नया उसका वो होता है, मुझे लगता था कि नया इंस्टेंस होता है, क्लोन होता है, लेकिन क्लोन नहीं है, ये असल में अपने पेरेंट से कनेक्टेड है। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है कि पोस्ट डॉट इज़ एडिट किया मैंने, फॉल्स किया और उसको मैंने दोबारा से हिट मारा तो वो सेट हो गया। ठीक है जी, तो कैंसिल का मैंने काम कर लिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, जब एडिट करूँगा और मैं कैंसिल भी इसको कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको हिट कर ही दूँ। अब मैंने इसका जो सबमिट का बटन है ना, उस पर कुछ कराना है। अब मैंने सबमिट का बटन जो है वो ऑब्वियसली इस तरह नहीं होगा, यहाँ पे ऑन सबमिट ऐसे करूँगा मैं, और मैं क्या करूँगा कि एडिट सेव सबमिट हैंडलर, ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिया जो कि इस फॉर्म के सबमिट के ऊपर चलेगा। ठीक है, इस फॉर्म के सबमिट के ऊपर ये चल रहा होगा। अच्छा, अब मेरे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि यार मैं ना एट द सेम टाइम, अच्छा ये फंक्शन तो चलो बना बनी है ना, ये फंक्शन मैं बना देता हूँ ताकि ये एरर देना बंद करे। ठीक है, ये फंक्शन मैंने बना दिया है। अब एट द सेम टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एडिट इसको भी कर सकता हूँ, मैं इसको भी कर सकता हूँ, मैं इसको भी कर सकता हूँ। अब मैं जिसका सेव दबाऊँ वो जो उसी पे एपीआई कॉल लगानी है, किसी और पे एपीआई कॉल नहीं लगा सकता मैं। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँ, अगर तो मैं ये सबमिट हैंडलर बनाता हूँ तो ये सबमिट हैंडलर तो सारे के लिए एक जैसा चलेगा, सबके लिए एक जैसा चलेगा। तो सम हाउ मुझे ये करना पड़ेगा कि जब मेरे पास ये फॉर्म सबमिट हो, ठीक है, तो इस हैंडलर को ना आईडी भी दे पाऊँ मैं। ठीक है, अच्छा, इस इनपुट से मैं वैल्यू कैसे उठाऊँगा फिर, इनपुट रेफ से तो नहीं उठा सकता मैं, इनपुट रेफ से उठा सकता हूँ क्या मैं ये वैल्यू, नहीं उठा सकता इनपुट रेफ से मैं। इनपुट रेफ से मैं इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि ये जब मैप चलता है ना मेरे पास, ये मैप मेरे पास 200 पोस्ट है, तो ये 200 दफ़ा रेंडर होता है। अब मैं ऊपर एक रेफ बनाऊंगा ना और उसको मैं इससे कनेक्ट मारूंगा जब, तो वो इससे कनेक्ट होगा ही नहीं वो, क्योंकि वो 200 है, वो 200 पे एक साथ लग जाएगा, तो सबसे लास्ट वाला मुझे दे रहा होगा वो एक्चुअली। अच्छा, आईडी से मैं उठा सकता हूँ, लेकिन आईडी से उठाना डिस्करेज है इसमें ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म के इवेंट से भी उठा सकता हूँ, जो इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, मैं वो फॉर्म के इवेंट से भी, मतलब ये जो फंक्शन चलेगा जब, तो इसमें मुझे इवेंट मिलेगा ना फॉर्म के सबमिशन का, तो उस इवेंट में मुझे पूरा का पूरा फॉर्म मिलता है और फॉर्म की हर वैल्यू उसके अंदर से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ से उठाऊँगा। और मैं साथ साथ क्या करूँगा, एक इसके अंदर इनपुट में और बना दूँगा जिसको मैं रखूँगा टेक्स्ट, और रखूँगा मैं इसको डिसेबल्ड, और इसको मैं रखूँगा अंडर स्कोर आईडी, इसके अंदर मैं डिस्प्ले करा दूँगा। ठीक है, और इसको मैं हिडन भी कर दूँगा, तो मुझे ये यूआई पे नहीं दिखेगा, यूआई पे मुझे लगेगा ये है ही नहीं। यार ये क्या हुआ, ये एक दफ़ा और भी मैंने नोटिस किया था, मैं एडिट दबाया खुद से गायब हुआ था। अब नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनपुट बनाया, इसको मैं हिडन से अगर हटाता हूँ ना, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है मुझे यहाँ पे ना, अंडर स्कोर आई डी ऐसे दिख रहा है मुझे। इसमें बी आर भी एक लगा देता हूँ मैं, बी आर की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो वैसे भी हिडन है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये एडिट नहीं होगा, यहाँ पे अंडर स्कोर आई डी पहले से लिखी हुई है। तो अब क्या होगा कि जब मैं फॉर्म के तमाम फील्ड्स को एक एक करके उठाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये आई डी मिल जाएगी, मुझे टाइटल मिल जाएगा, मुझे टेक्स्ट मिल जाएगा, मुझे यही तीन चीज़ चाहिए पोस्ट को अपडेट कराने के लिए। तो मैं इसके साथ एपीआई कॉल करूँगा, जैसे ही एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा मैं गेट ऑल पोस्ट को दोबारा कॉल करूँगा, तो सारा री रेंडर हो जाएगा और मेरा मसला क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम मैं कर लेता हूँ, आ जाओ। ठीक है, इसको वापस से मैं हिडन कर देता हूँ, सही, हिडन कर दिया, डिसेबल कर दिया, और वैल्यू के अंदर मैंने आईडी को डिस्प्ले करवा दिया इसके। ओके, मैं यहाँ पे कहता हूँ इवेंट, और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, और इसने खुद से यार दे दिया मुझे टाइटल और
सही है सजेशन यार, बड़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एडिट पोस्ट करना है ना, एग्जॉस्ट, मुझे ट्राई का ब्लॉक लगाना है एक्चुअली पूरा, बल्कि ये एपीआई कॉल मैं यहाँ पे कर चुका हूँ ना डिलीट पोस्ट वाले में, तो ये पूरा का पूरा ये ट्राई कैच का ब्लॉक एज इट इज़ होगा यहाँ पे भी, ठीक है, एज इट इज़ होगा ये यहाँ पर इस तरह। और ये फंक्शन मैं एसिंक इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, ये तीनों आइटम मेरे पास आ चुके हैं, बेस यू आर एल स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन स्लैश यहाँ पे पोस्ट की आई डी अंडर स्कोर आई डी ये हो गई, और यहाँ पे मैं दे दूँगा टाइटल और टेक्स्ट, ठीक है। मैंने कहा भाई टाइटल इक्वल्स टू टाइटल और टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, ये ऊपर से ये टाइटल और टेक्स्ट मैंने इसको यहाँ पास कर दिया। ए पी आई हिट हो गई, डिलीट नहीं होगा, अब की बार ये पुट होगा। ए पी आई हिट हो गई यहाँ से, इस लोडिंग को ट्रू करवाया मैंने, वापस आने पे रिस्पॉन्स इस लोडिंग को फॉल्स करवाया, अलर्ट में मैंने शायद ये डॉट मैसेज में पता नहीं क्या भिजवाया हुआ है सर्वर से, ठीक है। वेल इसमें मैं नलिश ऑपरेटर लगा देता हूँ ताकि ये कोड ब्रेक ना करे, और टॉगल रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हिट होगा तो वो री रेंडर दोबारा से हो जाएगा। आते हैं जी अब इसको मैं अब इसमें आई ओ एस विकीपीडिया के अंदर ना आई ओ एस का ये कैपिटल चाहिए था मुझे, तो मैं इसको करता हूँ यार, ये तो हिल रही ना अपनी जगह से, ये क्या सीन हो गया, ये तो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा, ये अपनी जगह से हिलने का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो वैल्यू मैंने इसकी फिक्स करवाई भी है। अब इसके ऑन चेंज को भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा, ऑन चेंज पे जाहिर है उसको मुझे चेंज भी तो करवाना है, आ जाओ ये काम भी जल्दी से करवा लेते हैं, ठीक है। मेरे पास जो फॉर्म है ना, मेरे पास जो फॉर्म में मैंने ये वैल्यू लगवाई भी है यहाँ पे, नॉट दिस फॉर्म एक्चुअली, नीचे वाला फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर जो मैंने यहाँ पे वैल्यू फिक्स करवा दी है ना, तो ये वैल्यू हिल नहीं रही है अपनी जगह से। अच्छा, तो इसके ऑन चेंज पे मैंने इस वैल्यू को चेंज करवाना है एक्चुअली, ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है इसके अंदर थोड़ी सी इस वजह से। अब एक तो तरीका ये होगा कि इसको मैं इसके ऑन चेंज के ऊपर ना बकायदा पूरा इसको मैं इस तरह करके चेंज करूँ, बकायदा पूरा चेंज करूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये तरीका क्या सही रहेगा। मैं कोई शॉर्ट तरीका सोच रहा हूँ, इसमें कोई शॉर्ट सा तरीका अगर मैं कर पाऊँ। या मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं वैल्यू के अलावा क्या किसी और तरीके से पास कर सकता हूँ क्या, मैं ज़रा इसके इस कंपोनेंट को मैं देखना चाहूँगा एक दफ़ा, रिएक्ट इनपुट कंपोनेंट में जाके ना ज़रा मैं इसको देखना चाहूँगा कि क्या इसमें इनपुट के लिए वैल्यू के अलावा भी कोई चीज़ मौजूद है जिसमें ये उसको फ्रीज ना करे। आई थिंक इसमें होना चाहिए एक ऐसा आइटम ना, हाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यस मुझे याद आ गया, इसमें वैल्यू नहीं दूंगा मैं, इसमें मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूंगा। ओह फाइनली, अभी तो बहुत ख्वारी हो जाती है। वरना डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि शुरू में इसको ये वैल्यू दे देता है, लेकिन उसको अगर मैं चेंज करूं तो मना नहीं करता। बजिया अच्छा जी, मैंने इसको आई ओ एस के ना ओ और एस को जो है वो कैपिटल करना है, ठीक है, और इसको सेव करना है। मैंने जैसे ही सेव करता हूँ तो वो मुझे स्क्रीन पे सेव होके नज़र आ जाता है। चलो भाई तालियां। आर्टिकल का ई भी गायब है, अरे ये क्या हो रहा है। अच्छा ये दो दफ़ा हुआ हुआ एक्चुअली, सही। मैंने कहा यार ये ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। आर्टिकल का ई भी गायब था ना, तो मैंने ई को भी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा करड ऑपरेशन फाइनली कम्प्लीट हो गया।